हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। गाइस, बच्चे पार्टी, मैं आप लोगों का विनोद सर आप लोगों के सामने अब यहाँ पर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करवाने के लिए। जो आप सभी को पता है कि मतलब अब ना कुछ ऐसे वीडियोज़ आपके पास आ रही होगी टॉपिक वाइज जो शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्स में आते ही आते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करने के लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कोलिशन। तो आज बच्चों हम लोग कोलिशन का वन शॉट करने वाले हैं। आज बच्चों हम लोग कोलिशन का वन शॉट करने वाले हैं। कोलिशन के वन शॉट से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। CEO एट AVJMS एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। व्हाट्स न्यू विद अन अकेडमी के साथ अब आप बच्चों रेज हैंड पर अपने फेवरेट एडुकेटर से वन ऑन वन डाउट पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड डाउट्स हो गए, आप अपना हैंड रेज करिए और आप अपने फेवरेट एडुकेटर से डाउट पूछिए। साथ ही साथ में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे, वो भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल विद प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों। इसके साथ ही साथ बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे बहुत सारे अलग अलग बैचेस हैं, टर्म वन, टर्म टू, रिविजन बैचेस, और अभी तो MCQs भी आ गए हैं 1 अक्टूबर से मेरे थ्रू। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो बच्चों तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं VK Army। ये सब्सक्रिप्शन लेते ही बच्चा पार्टी आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिल रहा होगा। गॉट इट गाइस? इसके साथ साथ आती है बात आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां पर आपको मिलता है वन ऑन वन मेंटोरशिप। आप इसमें भी कोड जो है यूज़ कर सकते हैं VK Army। राइट बच्चों, आप यहां पर भी कोड यूज़ कर सकते हैं VK Army, यहां पर भी आपको 10% ऑफ मिल रहा होगा। संडे, हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है 1 बजे के टाइम पे, आप अनअकैडमी कॉम्बैट भी दे सकते हैं। और अगर आप कोई 12th क्लास के फ्रेंड को जानते हैं तो अनअकैडमी इमर्ज दिलवाइए उनसे, ये कोड यूज़ करवा कर। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते में 4 दिन होता है, यू कैन एनरोल फॉर फ्री बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। बच्चों ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ कोलिजन इन वन शॉट। पूरा बेसिक से समझेंगे बच्चों, पूरा बेसिक से समझेंगे और पूरा डिटेल में लेकर चल रहे होंगे कोलिजन को। कोलिजन क्या होता है, वन शॉट में कोलिजन किस तरीके से करेंगे। गाइस, कोलिजन की अगर बात करी जाए ना यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं कि सर एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल से या तो फिजिकली कोलाइड कर गया, और यहाँ पर फिजिक्स में एक प्यारी बात ये होती है कि कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं न्यूक्लियस के पास, कुछ समय बाद अल्फा पार्टिकल रुकते हैं, न्यूक्लियस उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने लग जाते हैं। वहां पर भी कोलिजन हुआ, वहां पर भी दे सफर्ड कोलिजन, बट वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना बच्चों। आपने कहा सर ऐसी बात हो गई कोलिजन में, अब मैं आपको कहूंगा, अगर आपको कोलिजन ही देखना है तो अब मैं सीधा सीधा आपसे कहूंगा कि हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। फिर वन बाय वन पढ़ रहे होंगे उन सभी को, लेकिन पहले एक बारी जानना तो ज़रूरी है ना कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोलिजन हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। एक तो आप इलास्टिक कोलिजन पढ़ोगे, दूसरा इन इलास्टिक, तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक एंड द फोर्थ वन इज सुपर इलास्टिक कोलिजन एंड द फोर्थ वन इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। जरा मेरी बात को गौर से सुनना बच्चों, जब ऐसी बात करते हैं तो अब ये इनइलास्टिक क्या है, इलास्टिक क्या है, ये सब तो वन बाय वन उठाते हैं कोलिजन्स को और वन बाय वन करने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं सबसे पहले। ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन की अगर आप बातचीत करोगे ना, सो इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन, ये वो कोलिजन होता है बेटा
collision in which there is no loss of kinetic energy. वो collision बेटा जिसमें kinetic energy का कोई loss ना हो. Collision in which there is no loss of kinetic energy. I hope this is clear, Mr. Party. वो collision बेटा जिसमें kinetic energy का कोई loss ना हो. That is elastic collision. That is elastic collision. अब अगर आप गौर से सुनेंगे इलास्टिक कोलिजन की कहानी बच्चों, अब अगर आप गौर से सुनेंगे इलास्टिक कोलिजन की कहानी, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इसके अंदर ना अभी फ़िलहाल हम दो तरीके कोलिजन पढ़ेंगे. पर उससे पहले एक और चीज़ देख लो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है. सबसे पहले यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है बच्चों? कंजर्व रहने वाली है, मतलब जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही फाइनल. दूसरा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है. टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है. उसके बाद आपका टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है. उसके बाद आपकी टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है बच्चों. टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है. आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू ऑल. राइट बच्चा पार्टी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है. अब एक बात और समझो बच्चों, अब एक बात और समझो यहाँ पर कि इसके अंदर हम दो तरीके के कोलिजन पढ़ेंगे. एक आपका हेड ऑन कोलिजन, जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन, और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन जिसको आप बोलते हो टू डी कोलिजन. बात समझ में आ रही है. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. आइए शुरुआत करते हैं कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फिर टू डायमेंशन, फिर ऐसे करते चलेंगे आगे. सो कोलिजन हेड ऑन कोलिजन यानी कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है. तो अब आता है अपने पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, राइट है जी. याद है कि कहानी समझ में आती है, जिसको आप लोग हेड ऑन कोलिजन भी बोल रहे हैं. हेड ऑन का मतलब ये है कि मतलब एक से दूसरा टकरा रहा है बस, सिंपली. और तो क्या ही है. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब होगा क्या यहाँ पर. एक बॉडी है वो ऐसे जाएगी, मास वन की बॉडी है U1 स्पीड के साथ जा रही है. एक दूसरी बॉडी है M2 की, U2 स्पीड के साथ जा रही है. दोनों आपस में टकराएगी, टकराने के बाद फिर दोनों सेपरेट हो जाएगी V1 और V2, M1 M2. ये क्या है भैया? ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आपका बिफोर कोलिजन, और ये है आपका आफ्टर कोलिजन, और ये है आपका ड्यूरिंग कोलिजन, ये है आपका ड्यूरिंग कोलिजन. असल में अपने को ये देखना है कि भाई इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है नहीं गिवन है पता नहीं, बट अपने को फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है, जो V1 और V2 है ना वो निकालना है. बट आप ऑलरेडी कह चुके हो कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम भी कंजर्व है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, और तो वैसे भी एक डायमेंशन में है. तो सबसे पहला हिस्सा लगा दो आप यहाँ पर, वो कह दो आप टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. आ रही है बात समझ? क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. टोटल मोमेंटम कंजर्व का मतलब यानी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर? M1 U1 plus M2 U2 बराबर M1 V1 plus M2 V2. ये पहला एक्सप्रेशन. 1-1 को एक साइड कर दो और 2-2 को एक साइड कर दो, देखते हैं. लाइक M1 U1 minus M1 V1 इज गोइंग टू बी M2 V2 minus M2 U2, ठीक है. This simply means M1 U1 minus V1 is equals to M2 V2 minus U2. आ रही है बात समझ?
एम टू वी टू माइनस यू टू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व करनी रहेगी उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। पहले लिख लो यहाँ पर एक बारी, पहले लिख लो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, इसका एक बेसिक मतलब है, बेसिक फंडा है, लाइक हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। हाफ 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 ये कट जाएगा, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, सर एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर इज गोइंग टू बी एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। अगेन वन वन को एक साइड ले आओ, यानी एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर इज गोइंग टू बी एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर। वन कॉमन लिया तो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम टू कॉमन लिया तो वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। ये आपके पास ऐसे आ गया एक थर्ड एक्सप्रेशन। अब मैं कहूँगा सीधा सीधा सेकेंड को, मतलब थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर दो। अब मैं सीधा सीधा आपसे कहूँगा कि आपका थर्ड वाले को सेकेंड वाले से डिवाइड कर दो। तो अभी डिवाइड करते ज़रा, डिवाइड करते ज़रा। तो सबसे पहले पहले जब आप यहाँ पे कह ही रहे हो, एक बार लिखना ज़रूरी रहता है ताकि आपको भी याद रहे। सो डिवाइड थ्री बाय टू, डिवाइड थ्री बाय टू बेटा, थर्ड वाले को टू से डिवाइड कर रहे हो, यानी एम वन यानी एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ओवर एम वन यू वन माइनस वी वन इज गोइंग टू बी एम टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम टू वी टू माइनस यू टू। आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको सामने लेकर जा रहा हूँ, आपको एक चीज़ मिला यहाँ से, एम वन से एम वन कट गया, एम टू से एम टू कट गया, अपने को क्या मिला दैट यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ओवर यू वन माइनस वी वन इज गोइंग टू बी वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर ओवर वी टू माइनस यू टू, राइट। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स टू बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपको मिला u1 वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू वी टू वी टू प्लस यू टू, यानी कि ये हो जाएगा u1 वन माइनस यू टू बराबर वी टू माइनस वी वन। कभी अगर ऐसा मिलता है ना आपको, तो इसका क्या मतलब है u1 वन माइनस यू टू, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस मानी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी दो वेलोसिटीज का डिफरेंस का मतलब सीधा सीधा एक होता है कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते हो बच्चों कि सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बराबर है आपका सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई बात समझ। यहाँ से अब मैं सीधा कहूँगा यार, एक बारी ना आप v1 भी निकाल लो, कैसे, या v2 निकाल लो। v2 क्या हो जाएगा, u1 वन माइनस यू टू प्लस वी वन, यू वन माइनस यू टू वी वन प्लस हो गया। अब इस v2 को फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेट v2 इन इक्वेशन वन, यानी कि v2 को आप इक्वेशन वन में इक्वेट कर दीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, बड़ी सिंपल सी बात है। आपका इक्वेशन वन क्या है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू बी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। यहाँ से देखो बच्चों, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो एम वन यू वन तो ठीक है, एम टू यू टू भी ठीक है, वी वन की वैल्यूज पुट करो। वी वन क्या था, u1 वन माइनस यू टू, सॉरी वी वन की वैल्यू नहीं, वी टू की वैल्यू पुट करनी थी। एम ये तो एम वन वी वन रहना है, वी टू की जगह यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन। सो यू कैन से एम वन यू वन
प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन। अब क्या होगा, जो इनिशियल वाले हैं उनको एक साइड डालो और वी वन वी वन वी टू वी टू इनको एक साइड डालो, यानी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू माइनस एम टू यू वन प्लस एम टू यू टू इज गोइंग टू बी इक्वल्स एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन। ध्यान से देखो, इधर से एम वन माइनस एम टू आया, ब्रैकेट में यू वन आया, प्लस एम टू यू टू प्लस एम टू यू टू इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू और ब्रैकेट में आप वी वन ले लो, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी बच्चा पार्टी एम वन माइनस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू प्लस टू एम टू यू टू बराबर एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन। तो वी वन क्या हो जाएगा बच्चे, एम वन माइनस एम टू इंटू यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम टू यू टू ओवर एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू। आई बात समझ, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। एम वन माइनस एम टू यू वन बाई एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम टू यू टू बाई एम वन प्लस एम टू, ये आपका वी वन आ गया। अब सर वी टू निकालने के लिए भी इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा क्या? नहीं, वहाँ पर ना जो सबस्क्रिप्ट में वन 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 है ना उसको टू 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 कर दो। लाइक वी टू क्या हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन ब्रैकेट में यू टू ओवर एम टू प्लस एम वन प्लस टू एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू टू एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? वी वन और वी टू आ गया, पर ये यहीं पर बात हमारी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अभी अपने को ना अलग अलग केसेस करने हैं। क्या करने हैं? अभी अपने को अलग अलग केसेस करने हैं, और आज मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जस्ट ऐसा नहीं कि हमने इलास्टिक कोलिजन कर लिया बस, नहीं, क्वेश्चंस के साथ पूरा ख़त्म करेंगे। तो अभी इसका सबसे पहले पहले केसेस कर लेते हैं, यहाँ तक आप एक बार ही मतलब पॉज करके एक बार रिवाइज भी कर लो। अब केसेस की बात आती है, केसेस के लिए सबसे पहले पहले आप एक बार वी वन लिख लो। वी वन क्या है आपका, वी वन क्या है, एम वन माइनस एम टू, शॉर्ट करके वन से स्टार्ट कर दो, बाई एम वन प्लस एम टू, इधर ब्रैकेट में आप यू वन ले लो, प्लस टू एम टू यू टू ओवर एम वन प्लस एम टू। वी टू इज़ गोइंग टू बी एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट बच्चा पार्टी, आ रही है बात समझ, कहानी क्लियर हो गई आप लोगों को? जी सर। तो ये थी आपकी बेसिक कहानी, ये थी आपकी बेसिक कहानी। अब हम कहाँ करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आप ज़रा गौर से सुनना यहाँ पर, अब ज़रा बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों यहाँ पर। केस वन में मैं आपको कहता हूँ कि दोनों मासेस बराबर है, मतलब एम वन एम टू एम के बराबर है। अब बॉडीज़ कोलाइड कर रही है, कहने का मतलब ये जो U1 के साथ जा रहा है वो भी मास m है, ये जो U2 के साथ जा रहा है वो भी मास m है, आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद पता नहीं भैया क्या होगा, वही चीज़ अपने को निकालना है। तो V1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 मानी m माइनस m, नीचे m प्लस m, अब आगे कुछ भी करो m माइनस m तो ज़ीरो हो ही गया ना, m2 की जगह m, यहाँ पर U2 बाई m प्लस m 2m, 2m से 2m कट गया तो ये U2 आ गया। और V2 निकालेंगे तो पहला वाला टर्म ज़ीरो हो ही गया, प्लस दूसरे टर्म के लिए 2m बटा 2m और U1, तो ये U1 आ गया। आपके इसके कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन के बाद बेटा पहली वाली जो बॉडी है वो दूसरी वाली जो बॉडी जिस स्पीड से आ रही थी उससे चली जाएगी, और दूसरी वाली जो बॉडी है वो पहली वाली जो स्पीड के साथ आ रही थी उसके साथ। यानी जब दो आपसे ये एक आपको एक केस मिल गया, अप्रोच मिल गई कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज़ आपस में टकराती है तो पहली की स्पीड जो होगी आफ्टर सेपरेशन वही स्पीड दूसरे को मिल जाएगी, और दूसरी की जो स्पीड होगी आफ्टर सेपरेशन वही स्पीड पहले वाले को मिल जाएगी। तो ये रहा अपना केस नंबर वन। एक और केस में एक काम करते हैं, अभी दोनों मूविंग थे, एक को रेस्ट पे रखते हैं, आइडेंटिकल बॉडीज ही रखते हैं, मतलब बॉडीज को आइडेंटिकल ही रखते हैं बट एक को रेस्ट पे रखते हैं। सो केस नंबर टू बच्चे, केस नंबर टू क्या कर रहे हैं, मासेस को बराबर रख रहे हैं, बट यस यू वन इज इक्वल्स टू यू टू इज इक्वल्स टू, अच्छा यू टू को ज़ीरो रख रहे, मतलब एक बॉडी को
जीरो का मतलब एक बॉडी को रेस्ट पर रख रहे, जीरो का मतलब एक बॉडी को रेस्ट पर रख रहे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसका तो एक ही पर्पज़ है या एक ही मतलब है इसका। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है बच्चों कि वी वन जो हो जाएगा, पहले वाला टर्म तो जीरो हो ही गया, प्लस अपना यू टू भी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, तो वी वन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी वी वन आफ्टर सेपरेशन रेस्ट पर आ जाएगी। वी टू क्या हो जाएगा? पहले वाला टर्म तो जीरो हो ही गया, बट दूसरे वाले टर्म के लिए 2m/2m और यू वन आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका यू वन। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक बॉडी जा रही है यू वन के साथ, दूसरी बॉडी, अगर देखो थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, अगर एक बॉडी है वो यू वन के साथ जा रही है m मास की, दूसरी बॉडी रेस्ट पर है, टकराने के बाद पहली बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, दूसरी बॉडी जिस स्पीड के साथ जाएगी वो स्पीड जो होगा वो अपना यू वन आ जाएगा, वो अपना यू वन हो जाएगा। आ रही है बात समझ? मतलब एक और केस आपको मिल गया कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज आपस में टकरा रही है, जिसमें से एक रेस्ट पर है और एक कुछ स्पीड से जा रही है, तो आफ्टर सेपरेशन जो पहले जिस स्पीड से कुछ स्पीड से आ रही थी वो रेस्ट पर हो जाएगी, और दूसरी वाली जो बॉडी है वो अब कुछ स्पीड से आगे जाएगी, वो अब कुछ स्पीड से आगे जाएगी। तो ये अपना दो केसेस कंप्लीट हो गए, राइट बच्चों? अब सीधा सीधा पढ़ते हैं केस नंबर थ्री की तरफ। अब सीधा सीधा बढ़ते हैं केस नंबर थ्री की तरफ। केस नंबर थ्री में कुछ ऐसा करते हैं, पहले तो ना आप एक बार फिर से देखो, मैं बार बार क्यों फार्मूला लिखवा रहा, ताकि आपको भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाए चीज़ें। वी वन क्या होगा? एम वन माइनस एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन इंटू यू वन प्लस अपना टू एम टू यू टू बाय एम वन प्लस एम टू, टू एम टू यू टू बाय एम वन प्लस एम टू, दिस इज योर वी वन। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा वी टू भी एक बार ही लिखी दो, साइड में लिख देते, ठीक है ना, सो दैट वो जगह इजीली यूजेबल हो। एम टू माइनस एम वन बाय एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम वन यू वन बाय एम वन प्लस एम टू, टू एम वन यू वन बाय एम वन प्लस एम टू। सर तीसरा जो केस है उस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बॉडी टकरा रही है वो बॉडी बहुत हल्की है, किससे? भारी वाली बॉडी से। और सबसे बड़ी बात है, भारी वाली बॉडी जो है ना वो रेस्ट पर है, यू टू ज़ीरो है मानी रेस्ट पर है। कहने का मतलब ये देखो, बहुत पतली बॉडी जा रही है, बहुत हल्की बॉडी जा रही है यू वन वेलोसिटी के साथ, बहुत भारी बॉडी जो बेसिकली रेस्ट पर है इससे टकराएगी। अब ये नहीं पता भैया कि कोलिजन के बाद क्या होने वाला है, ये नहीं पता कि कोलिजन के बाद क्या होने वाला है, वही तो निकालना है। तो अगर आप वी वन की बात देखोगे तो पहले वाला टर्म तो आपका, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वन को आप नेग्लिजिबल मान लेंगे, एम वन आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ज़ीरो मान लो एम वन को, तो एम वन वाली पार्ट ख़त्म हो गई, तो वी वन क्या हो जाएगा? माइनस एम टू बाय नीचे वाला एम टू और ये यू वन प्लस यू टू, तो ज़ीरो है ही तो ये ज़ीरो हो गया, तो वी वन हो गया बच्चों माइनस यू वन। यानी आफ्टर कोलिजन इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये भैया अपनी जिस डायरेक्शन से आया था उसी में वापस चला जाएगा। अब वी टू निकाल लेते हैं एक बारी। वी टू के लिए क्या होगा भैया? पहला टर्म तो आपका, अच्छा यहाँ पर क्या है, यू टू है, पहला टर्म तो ज़ीरो हो ही गया, प्लस दूसरा एम वन भी ज़ीरो है तो ये नेग्लिजिबल है, तो ये भी ज़ीरो हो गया, यानी ये अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा, यानी ये अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये अभी भी रेस्ट पर ही रहने वाला है, ये भी सही। अब फोर्थ केस करेंगे, अब हम फोर्थ केस करेंगे। कौन सा केस? फोर्थ केस। इस केस में क्या करने वाले हैं हम लोग? इस केस में अब जो एम वन है ना बेटा, जो अब जाएगा वो असल में एम टू से बहुत बड़ा है, ठीक है ना, यानी अब बहुत भारी बॉडी एक ऐसी बॉडी पे टकराएगी जो आपका रेस्ट पर रखी है और बहुत हल्की है, यू वन के साथ जाएगी, ये बहुत हल्की बॉडी अभी रेस्ट पर है, टकराने के बाद क्या होएगा ये देखना है, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन पहले आप वी वन निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या नेग्लिजिबल माना जाएगा? यहाँ पर आपका एम टू नेग्लिजिबल माना जाएगा, यहाँ पर आपका एम टू नेग्लिजिबल माना जाएगा। एक बारी देख लो आप, यहाँ पर भैया आप अगर देखोगे फॉर्मूले में, देखो एक बारी फॉर्मूले में, देखो एक बारी, अगर ऐसी बात है एम टू वाला ख़त्म हो गया, इधर एम वन अपॉन एम वन यू वन बच गया और ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो वी वन क्या हो गया? यू वन। यानी इतना तो समझ में आ गया कि जो पहली बॉडी है वो अभी भी जो है ना, जो पहली वाली बॉडी है वो जिस स्पीड से आ रही थी वो अभी भी उसी स्पीड के साथ जाएगी,
अब दूसरी बॉडी का खेल है उसको देखना है। वी टू निकालते हैं, वी टू के लिए पहला टर्म तो जीरो ही हो गया, दूसरा टर्म में टू एम वन यू वन बाई टू, भैया अपना एम वन प्लस एम टू, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। एम टू तो नेग्लिजिबल हो गया, तो ये हो गया टू एम वन बाई एम वन इंटू यू वन, यानी ये जाएगा डबल स्पीड के साथ, यानी ये पहली वाली बॉडी के डबल स्पीड के साथ जाएगी तू, बट वी टू इज़ गोइंग टू बी टू यू वन। तो आपने टोटल कुल मिला के चार केसेस करे। पहले केस में आपने बोला कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ आपस में टकराएगी, अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ आपस में टकराएगी और इसमें से अगर आप देखोगे तो दोनों आपस में अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर देंगे, स्पीड्स को इंटरचेंज कर देंगे, ये थी बात आइडेंटिकल बॉडीज़ के टकराने की। अब अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ टकरा रही और उसमें से एक रेस्ट पर है तो पहली वाली रेस्ट पर आ जाएगी, दूसरी वाली अपना कुछ स्पीड से जाने लग जाएगी। अब अगर दो कुछ ऐसी बॉडीज़ टकरा रही है, एक बहुत हल्की एक बहुत भारी बॉडी से टकरा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी बहुत हल्की वाली बॉडी है ना वो तो वापस आ जाएगी, भारी बॉडी अभी भी रेस्ट पे रहेगी। अब अगर एक बहुत भारी बॉडी एक बहुत हल्की रेस्ट वाली बॉडी से टकराएगी तो भारी बॉडी उसी स्पीड से जाएगी बट हल्की वाली बॉडी उसके डबल स्पीड से भागने लग जाएगी। ये था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। दिस वॉज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब क्या करते हैं ना, मुझे ऐसा फील होता है कि है ना हमें ना इसके ऊपर एक सवाल तो कर लेना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत बेसिक सवाल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन से क्या होता है ना, थोड़ा सा हमारा दिमाग खुल जाता है कि हमें अप्रोच कैसे लगाना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, कुछ इस प्रकार से, राइट। यहाँ पर ये हमसे बोलने लग गया है कि सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट टू बॉल बेयरिंग्स ऑफ मास एम ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड्स वी collide head on with each other collide head on with each other predict the outcome of the collision assuming it to be perfectly elastic। दो बॉल बेयरिंग्स है एम मास के, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वी स्पीड के साथ, एक दूसरे को हेड ऑन कोलाइड करते हैं। आपको कोलिशन का आउटकम बताना है, मतलब फाइनल वेलोसिटीज बतानी है, और हमें यह देखना है कि यह परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है। यानी ये कौन से वाला केस हो गया, ये कुछ ऐसी होगी भैया कि ये बॉडी अपना m मास की है, ठीक है ना, m1 बराबर m, ये आपका किस स्पीड के साथ जा रहा है, मान लो v स्पीड के साथ, ठीक है ना। दूसरी बॉडी जिसका मास भी m ही है और ये आपकी v स्पीड, आप पॉज करिए एक बार, आप करने की कोशिश करिए पहले। अब ये v जो है ना, ये बेसिकली माइनस v हो गया, कहने का मतलब u1 तो आपका v है तो u2 क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा एक हिसाब से। अब कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक है तो वही अपना फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पर क्या लगाओगे, v1 is going to be m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2। भैया m minus m तो ये तो जीरो ही हो गया ये वाला पार्ट, प्लस 2m u2 की जगह माइनस v by 2m, तो आपका v1 जो हो जाएगा वो माइनस v आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो जा रही थी ये टकराने के बाद वापसी आ जाएगी, ये वाली बॉडी टकराने के बाद वापसी आ जाएगी, हाँ ना, उसी स्पीड के साथ जिससे जा रही थी। हमने कहा चलिए भैया V2 निकाल के देख लेते। V2 के लिए भैया M2 माइनस M1, तो पहला टर्म तो वैसे भी जीरो ही हो गया, आइडेंटिकल बॉडी के लिए ये अपना सही है कि पहला टर्म हमेशा जीरो हो ही रहा है, प्लस 2M1 U1 बाय M1 प्लस M2, तो 2M से 2M कट जाएगा, ये U1 बच जाएगा, यानी ये दूसरी जो बॉडी है ना, जब ये देखो टकराएगी पहली वापस आ जाएगी, दूसरी बॉडी उधर ही जाएगी, तो दूसरी बॉडी अब इधर चली जाएगी, M2 जो है ना वो अपना V के साथ चला जाएगा। तो
तो इसको आप कह सकते हैं कि दोनों बॉल जो है ना इक्वल स्पीड के साथ बाउंस बैक कर गए। अगर आउटकम के बारे में ही निकालना है तो यू कैन से दैट बोथ द बॉल्स बाउंस बैक विद द इक्वल स्पीड्स। आप ये लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो बच्चों कि थस बोथ द बॉल्स bounce back with equal speeds, both the ball bounce back with equal speeds। बच्चों दोनों के दोनों balls जो है ना वो bounce back कर गई equal speeds के साथ। आप गौर से देखना बच्चों, अब हम elastic collision in two dimension की तरफ चलेंगे। कौन सा? elastic collision in two dimension की तरफ चलेंगे। इलास्टिक कोलिजन को दो डायमेंशन में कैसे करना है, अब हमें ये चीज लेकर चलनी है। बात को बिल्कुल ध्यान से और गौर से समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर दो केसेस होंगे। केस वन में तो एक बॉडी आ रही है बिल्कुल रेस्ट वाली बॉडी पे टकराएगी और अपना आगे निकल जाएंगे, और एक बॉडी में दोनों ऐसे। तो पहले केस वन करवा देते हैं थोड़ा सा इजी वाला, फिर दूसरा केस, और उसके बाद इसके ऊपर भी एक दो सवाल। यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर बॉडी कुछ इस प्रकार से आ रही है। मान लेते हैं एक बॉडी है M1 मास की, वो U1 स्पीड के साथ आ रही है। एक दूसरी बॉडी है M2 की, वो अभी रेस्ट पर रखी हुई है। ये दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद लाइन ऑफ एक्शन से देखो, यहाँ पर आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद जो है ना पहली बॉडी जो है ना वो अपना यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाएगी V1 स्पीड के साथ M1 वाली, और दूसरी बॉडी जो है ना वैसे V2 स्पीड के साथ चली जाएगी M2 वाली। अगर आप गौर से देखोगे तो इलास्टिक कोलिजन है, टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी का तो कंजर्वेशन करना ही है, वो तो मस्ट है। टोटल एनर्जी और टोटल आपका मोमेंटम का तो कंजर्वेशन मस्ट है। तो सबसे पहले भैया टोटल मोमेंटम को कंजर्व कर दो, टोटल मोमेंटम को आप कंजर्व कर दो। क्लियर है भैया? टोटल मोमेंटम को क्या कर देंगे? कंजर्व कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर डायरेक्शंस है बेटा, ये वाला जो है ना तो एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट टूटेंगे। ये अगर थीटा वन है तो V1 cos थीटा वन, V2 cos थीटा और V2 sin थीटा वन, सॉरी V1 sin थीटा वन। और इधर देखोगे तो ये थीटा टू, ये आपका V2 cos थीटा टू, और नीचे में आपका V2 sin थीटा टू। ध्यान से देखना, अब पहले एक बारी आप x डायरेक्शन ले लो। x डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पर? इनिशियल मोमेंटम का जो सम होएगा दैट इज़ गोइंग टू बी फाइनल मोमेंटम का जो सम है। सो इनिशियल मोमेंटम का सम का मतलब क्या है? दैट इज M1 U1 प्लस, अब ये कौन से डायरेक्शन में? X में है, प्लस दूसरी तो जीरो पर है रेस्ट पर। और X में अगर देखोगे तो ये U1, ये आपका V1 cos थीटा 1 है और ये V2, और दोनों राइट साइड में है। बाय कन्वेंशन आप इसको पॉजिटिव मानते हो, लेफ्ट को नेगेटिव मान रहे हो, नीचे को नेगेटिव मान रहे हो, ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हो। आ रही है बात समझ? सो दिस इज़ गोइंग टू बी M1 U1 प्लस जीरो बराबर M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2 प्लस M2 V2 cos थीटा 2। डन है बच्चों? डन है बेटा? हाँ सर। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो। अब अलोंग Y डायरेक्शन देख लेते हैं। अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल से कोई लेना देना ही नहीं है, इनिशियल तो ज़ीरो है। फाइनल क्या है बच्चा पार्टी? फाइनल में आप ये देख सकते हो, इनिशियल ज़ीरो हो गया,
फाइनल में आप देख सकते हो बच्चों कि सर फॉर फाइनल, फॉर फाइनल इट इज़ गोइंग टू बी अपना ऊपर वाला तो ये हो जाएगा m1 v1 sin थीटा 1, और नीचे वाला माइनस हो जाएगा माइनस m2 v2 sin थीटा 2, माइनस m2 v2 sin थीटा 2, माइनस m2 v2 sin थीटा 2। आ रही है बात समझ? माइनस m2 v2 sin थीटा 2। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चे, आई होप दिस इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू, गॉट इट गाइस? तो अलोंग वाई डायरेक्शन की कहानी भी आपको समझ में आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं बच्चों, मतलब वही इनिशियल मोमेंटम का सम हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस जीरो बराबर हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। सर इसको क्यों नहीं तोड़ा आपने एक्स और वाई में? क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, स्केलर का तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा उसकी एनर्जी तो वही रहेगी। आई बात समझ? सो दिस इज गोइंग टू बी आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको तीन एक्सप्रेशन मिल गए, एक दो और तीसरा ये रहा। ये तब था जब एक बॉडी सीधे ही आ रही है और उसके बाद ऐसा मतलब टकरा के और उसके बाद फिर दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई। पर अगर दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में ही आ रही होगी तो आप क्या करोगे? आपको ना पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। केस टू में अगर देखोगे आप, और अगर केस टू में अगर आपको देखना है तो ऐसा कर लो, एक बॉडी ऐसे आ रही है और एक बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, यू वन एम वन एम टू यू टू एम टू यू टू। आई बात समझ? ये आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद जो नीचे आ रही है वो अपना ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर आ रही है वो अपना नीचे चली जाएगी, ये तो अपना ऐसे चली जाएगी वी वन के साथ एम वन, और जो ऊपर आ रही थी वो अपना ऐसे नीचे चली जाएगी V2 के साथ M2 वाली बॉडी, M2 वाली बॉडी V2 के साथ चली जाएगी। आ गई बात समझ? आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चा पार्टी, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप लोगों को, हाय ना बच्चों? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बस अब आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ चार एंगल्स हो गए, थीटा वन थीटा टू अल्फा वन अल्फा टू, ओके एम वन यू वन कॉस थीटा वन एम टू यू टू कॉस थीटा टू एम वन वी वन कॉस अल्फा वन एम टू वी टू कॉस अल्फा टू, ये नीचे आएगा एम वन वी वन साइन थीटा वन एम टू वी टू साइन थीटा टू एम वन वी वन साइन अल्फा वन, नीचे वाले में एम टू वी टू साइन अल्फा टू, हाँ है ना? एम टू वी टू साइन अल्फा टू। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब कंजर्वेशन पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप टोटल मोमेंटम कंजर्व, सबसे पहला स्टेप टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड। कैसे सर? सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के अलोंग कर दो, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन। कैसे? एक्स में आपका एम वन यू वन कॉस थीटा वन, क्योंकि राइट को पॉजिटिव मानोगे, प्लस अपना एम टू यू टू कॉस थीटा टू इज गोइंग टू बी इक्वल्स बेटा एम वन वी वन कॉस अल्फा वन प्लस एम टू वी टू कॉस अल्फा टू बेटा। ये आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो गया। अब बात आएगी बच्चों अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन क्या है? एम वन वी वन ऊपर, ये आपका नेगेटिव है ना, तो माइनस एम वन वी वन साइन थीटा वन, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है, प्लस एम टू वी टू साइन थीटा टू, जी सर, इज इक्वल्स टू एम वन वी वन साइन अल्फा वन, एम वन वी वन साइन अल्फा वन माइनस एम टू वी टू साइन अल्फा टू। और तीसरा केस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन,
काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर बराबर हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट बच्चों? कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है तो आप ये भी कर सकते होते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद ना सीधा सीधा एक बारी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पर बढ़ेंगे, उसका एक्सप्रेशन करेंगे और उसके जस्ट बाद जो है ना फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और अपना ये कोलिजन वाला हिस्से को ख़त्म कर देंगे। हार्ड टू हार्ड क्वेश्चंस के साथ आपका 45 मिनट्स का और सेशन रहने वाला है। गॉट इट? पक्की बात जी। सो अब हम कर रहे होंगे अपना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, जैसे आपने क्या किया ना दीवार पे, आप मतलब आप यूँ समझो दीवार पे आपने मिट्टी फेंक दी, वो रुक गई एक हिसाब से, तो उसने क्या किया सारी की सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी अपना दीवार के साथ दीवार को दे दी उसने। बट यहाँ यूँ समझो कि जैसे एक बॉडी जा रही है, एक बॉडी रेस्ट पे है, ये उससे मिलेगी तो अब दोनों बॉडी एक ही साथ चलने लगेगी। एक एक ट्रॉली जा रही है, आप बाहर से ऐसे जंप मार रहे हो, आपने जंप मार के सीधा ट्रॉली पर जाके गिर पड़े, अब ट्रॉली और आप एक साथ कुछ कॉमन स्पीड के साथ जा रहे हो। सो दैट इज़ बेसिकली योर अपना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये कहता है कि सर अगर मान लो एम वन मास की बॉडी है, यू वन स्पीड के साथ जा रही है, दूसरी एम टू की है और वो आपका यू टू के साथ जा रही है, दोनों आपस में मिलती है, ठीक है ना, मिलने के बाद अब दोनों जो है ना वो कॉमन स्पीड के साथ जा रही है। सो दिस इज़ बेसिकली योर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो कि सर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात है ना, ठीक है ना, आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हो कि सर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जो कहानी है ना, कि सर परफेक्टली इन इलास्टिक की जो कहानी होती है ना उसमें बस सिर्फ कंजर्व क्या रहता है, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमारी कंजर्व नहीं रहती। सो यू कैन से दैट टोटल मोमेंटम इज कंजर्वड, यू कैन से दैट टोटल मोमेंटम इज कंजर्वड, राइट? टोटल मोमेंटम इज कंजर्वड, हमने कहा ये भी कहानी सही है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्वड, राइट गाइस? टोटल मोमेंटम क्या है बच्चों, कंजर्वड है। तो इसका मतलब आप कहोगे सर, आप कहो अच्छा ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये इनिशियली रेस्ट पर है, ये वाली बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है टकराने के बाद। तो आप देखो इधर आपका m1 u1 plus 0 is going to be m1 plus m2 और ये अब जाएगा कॉमन वेलोसिटी v के साथ। तो v क्या बनने वाला है यहाँ पर, m1 u1 over m1 plus m2। v क्या बनने वाला है यहाँ पर, m1 u1 over m1 plus m2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। v क्या बनने वाला है बच्चों, m1 u1 by m1 plus m2, ये अपना कॉमन वेलोसिटी आ गया जिसके साथ ये लोग निकल रहे होंगे आगे। अब बात आएगी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्वड। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे, वो कंजर्व नहीं है। यस सर ये भी बात सही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्वड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों, इसका बहुत क्लियर सा मतलब ये है कि आपका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर। आपका जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करोगे तो वो आएगा हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है भैया, ये ऐसा हो गया। तो अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो देर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर आपको कैसे पता? असल में बेटा जब मैंने रिजल्ट्स निकाले थे ना तो मेरा इनिशियल में से जब मैं फाइनल को माइनस कर रहा था ना तो उस केस में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर इनिशियल में से फाइनल माइनस करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना बच्चों? तो आप ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर।
गॉट इट, ऐसा हो गया, यस सर। तो अब यहाँ से आप चीज़ों को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप चीज़ों को क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कुछ इस प्रकार से खेल सकते हो इसमें कि हाफ कॉमन लेकर, यहाँ पर तो m1 u1 square तो है ही है आपका, चलो अभी अभी ऐसा लिख लो, पहले v की वैल्यू पुट कर दो, पहले v की वैल्यू पुट कर दो। तो ऐसा करके अगर आप कर रहे हो तो हाफ m1 plus m2, अब आप v की वैल्यू पुट करोगे सॉरी, तो v क्या है यहाँ पर, v इज m1 u1 बटा m1 plus m2, m1 u1 बटा m1 plus m2। सो यू कैन से दैट दिस इज लाइक आपका, दिस इज लाइक आपका, अगर v की बात करेंगे तो m1 स्क्वायर यू वन स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ, यहाँ तक की कहानी में तो कोई दिक्कत है नहीं, यस सर। अब अगर इसके बाद आप देखते हो ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर से आप हाफ एम वन यू वन स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो क्या मिलेगा हमें, वन माइनस इधर से एम वन प्लस एम टू, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, पहले ही आप एम वन प्लस एम टू से एक तो काट दो, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ एम वन, और नीचे आ जाएगा एम वन प्लस एम टू, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, इधर से आप ऐसा करो एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, एम वन से एम वन कट जाएगा, इधर आ जाएगा एम टू बटा एम वन प्लस एम टू बटा में एम वन प्लस एम टू, तो ये आ जाएगा आपका हाफ m1 m2 u1 square over में m1 plus m2 over में m1 plus m2, and this is your delta kinetic energy, this is your delta kinetic energy। आपको दिखाई दे रहा है कि u1 अगर negative भी होगा तो उसका square positive भी होगा, so delta kinetic energy is greater than zero, delta kinetic energy is greater than zero। इसका बड़ा simple सा फंडा है बच्चों कि आपका initial kinetic energy is greater than final kinetic energy, आपका initial kinetic energy is greater than final kinetic energy। I hope this is clear। सर ये बात तो आपकी सही है, अब आप पहले इतना बता दो कि मतलब अगर मान लो, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल ठीक है सर, अगर मान लेते हैं, सर अगर मान लेते हैं कि आपका और एक वे में इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ अभी। तो अब दूसरे वे में इसको कैसे देखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो, लाइक हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर ओवर हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, और वी स्क्वायर की बजाय अगर आप बात करते हो, v स्क्वायर के बजाय अगर आप बात कर रहे हो, तो v का मतलब है आपका m1 u1 बटा m1 प्लस m2, सो यू कैन से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, तो ये बनने वाला है अपना, ये बनने वाला है अपना, अच्छा ओके, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ये ऊपर हाफ भी था, हाफ m1 u1 स्क्वायर भी तो बनने वाला है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा कि हाफ से हाफ कट गया, ऊपर रह गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 u1 स्क्वायर, नीचे में m1 प्लस m2, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया, तो आपका अल्टीमेटली बच गया m1 बटा m1 प्लस m2, m1 बाय m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू, देखो m1 बाय m1 प्लस m2 जो है ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, डिनोमिनेटर बड़ा, पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो ही गई, मानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज लेस देन वन, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ से भी आपको पता चला कि भैया जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से छोटी है, जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से छोटी है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद अगर आप देखोगे, अब अगर आप इसके बाद देखोगे तो आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, यहाँ से आपको एक चीज़ यहाँ से और समझ में आएगी, और वो जो एक चीज़ है बच्चों, वो जो एक चीज़ है उसका सिंपल सा जो फंडा है, वो सिंपल सा कुछ ऐसा फंडा है बच्चों कि अगर आप यहाँ से क्लियर करते हो ना चीज़ों को, तो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहानी ख़त्म हो गई। अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपको बता रहा होगा
कि भैया ये कोलिजन कैसा है, काइनेट मतलब इलास्टिक है, नॉन मतलब इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्या है। तो सबसे पहले पहले ई सी डिनोट करते हैं इसको, और ई होता है बेटा अपना जो आपने बताया था ना यू वन माइनस यू टू डिवाइडेड बाय बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन माइनस वी टू, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये अब e की वैल्यू अगर 1 है तो आपका ये इलास्टिक कोलिजन है, तो आपका ये कैसा कोलिजन है, तो आपका ये इलास्टिक कोलिजन है, गॉट इट गाइस। e की वैल्यू अगर 0 है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। और यहां से आप देखते हो कि e की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, सो दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर मान लो एनी हाउ ई की वैल्यू 1 से भी बड़ी हो गई तो उसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन, जहां पर अपना सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोजिव कोलिजन, एक्सप्लोजिव कोलिजन जहां पर अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉम्ब है उसको आप ज़मीन पर ज़ोर से फेंकते हो तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम इसके ऊपर एक दो सवाल करेंगे और फिर उसके बाद इस सेशन को हम लोग रैप अप कर रहे होंगे। आई होप आपको सही लग रहा होगा। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे जैसे इसमें अगर हमें क्वेश्चंस करने हो तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपको यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ वो ये है बच्चों, वो ये है फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन ही लिख देता हूँ पहले पूरा, है ना। क्वेश्चन कहता है कि अ रेलवे कैरेज of mass 9000 kg, mass 9000 kg moving with a speed of 36 km per hour collides with a stationary carriage of the same mass. After the collision, carriage gets coupled and move together. What is their common speed after collision, what type of collision is this? ये किस प्रकार का कोलिजन है, ऐसे करके। बड़ी सिंपल सी बात है, कोलिजन के बाद कपल्ड हो रहा है तो शक्ल से हमें ये पता चल गया कि ये इलास्टिक तो नहीं है, पर फिर भी हमें तो पूरा वैल्यूज़ के समेत मुझे ये दिखाना है कि भैया ये इलास्टिक है इन इलास्टिक है या कैसा है, राइट। हमें वैल्यूज़ के हिसाब से बताना है। सबसे पहले पहले आप देखो रेलवे कैरेज है, मास अपना 9000 किलो का, M1 कितना है 9000 किलो, और स्पीड कितना है U1 36 किलोमीटर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। और एक स्टेशनरी कैरेज है सेम मास का, तो M2 भी 9000 किलो है, बट U2 इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। आ रही है बात समझ। और फाइनली जब V1 या V2 देखा तो वो V आया, और वही अपने को निकालना है, ठीक है ना। कॉमन स्पीड जो इनका है वही अपने को निकाल। सबसे पहले पहले तो आप कौन सा स्टेप चलाओगे भाई, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर एक जगह होगा। सो यू विल से सर बाय कंजर्वेशन मोमेंटम, यू विल से सर बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम यहाँ पर मोमेंटम का कंजर्वेशन करें तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर
M1V1+, M2V2। भैया M1 तो कितना है 9000, U1 कितना है 10, दूसरा रेस्ट पर है। इधर क्या होएगा M1+M2 × V। सो 9000 × 10 और 9000 + 9000 18000 बराबर V। तो 1 2 3 1 2 3 ये हो जाएगा 90/18। तो कुल मिला के ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब दोनों जो मिल रही है, जो दोनों एक साथ कपल्ड होने के बाद जाएगी कॉमन स्पीड के साथ, वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। गॉट गाइस, वो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये बताना है किस तरीके का कोलिजन है। तो इसके लिए आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल निकाल लो, देखते हैं भाई दोनों में से जो है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेट्स सी, अगर दोनों बराबर हैं तो इलास्टिक है, और अगर अगर मान लो कम हो गई तो फिर अपना इन इलास्टिक, और अगर बढ़ गई तो सुपर इलास्टिक होगा। वैसे हमें पता चल गया कि कपल डोरी है तो इन इलास्टिक ही है, बट फिर भी देख लेते हैं ठीक है ना, और परफेक्टली है कि नहीं है ये भी देखना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देख लो पहले तो आप, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देख लो पहले तो आप, ठीक है ना। जी सर, ये भी बात सही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आएगी यहाँ पर, हाफ M1U1² + 0, यानी हाफ M1 कितना है 9000 और U1 कितना 10 × 10, 2 से गया 5, 5 × 9 = 45, 1 2 3 4 1 2 3 4, इतना जूल आ गया इनिशियल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ M1+M2 × V², तो हाफ M1+M2 यानी 18000 इंटू अपना V² माने 25, ये हो जाएगा 9000, तो 9000 × 25, और यहाँ पर था 9000 × 50, तो एक हिसाब से इसका आधा ही हो गया 225000। आपने देखा सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पर पूरा तो नहीं आपका कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब आपका कोलिजन इज इनइलास्टिक, इसका मतलब आपका कोलिजन इज इन इलास्टिक। राइट गाइस, कोलिजन कैसा है बच्चों, इन इलास्टिक, कोलिजन कैसा है इन इलास्टिक। चलो एक अब थोड़ा सा ना हैवी क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जो अगर आप देखोगे तो थोड़े से ना मतलब आपको मजे भी आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा। दिस इज जस्ट मतलब ये थोड़ा सा हैवी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ। ये कोलिजन इन वन शॉट हो गया, अब इसके बाद अब आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी, बस आपको सिर्फ यही देखना है कि अच्छा चलो ठीक है, कोलिजन इन वन शॉट वाली वीडियो आ गई, हमने देख लिया, कहानी खत्म हो गई। राइट गाइस, तो अब आपके पास आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर, क्वेश्चन ये क्या है कि सर, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल राइट गाइस, इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास, पहला नाइन टाइम्स इन मास, दूसरा इक्वल इन मास, और तीसरा 1/19th ऑफ इट्स मास, 1/19th ऑफ इट्स मास। वो कह रहा है कि एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना एक स्टेशनरी पार्टिकल को ट्रांसफर करी गई जब वो उससे टकराती है, तो जो दूसरी जिससे टकराती है वो 9 गुना है इसके मास का, या इक्वल है अगर आइडेंटिकल है, या 1/19th है। तो ये सब चीज़ बताना है आपको। अब कभी जब ऐसे क्वेश्चंस हो कि अगर ऐसे में क्या है, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लेट करके चलनी पड़ती है अपने को। जैसे सर लेट कैसे, समझाता हूँ आपको। सपोज करो बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो मूविंग पार्टिकल है यानी कि M1 मास का, उसको M मान लेते हैं, ऐसा करके मान के चलते हैं उसको M मान लेते हैं। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी U1 मान लो, ठीक है ना, ऐसा बोल के। ये अब एक स्टेशनरी पार्टिकल है, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे सीधा, तो अब एक स्टेशनरी पार्टिकल है M2 को मान के चल रहे हैं कि वो XM है,
एम टू को मान के चल रहे हैं कि वो एक्स एम है, ठीक है ना, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है बच्चा पार्टी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो फाइनल वाली की वेलोसिटी चाहिए, मतलब v2 चाहिए। v2 क्या होएगा, v2 क्या होएगा जब दो बॉडीज टकराएगी, तो 2m1 या u कहो, v2 इज़ लाइक आपका m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m2, और आप यहाँ से u1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से u1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v2 क्या हो जाएगा अपना, अपना जो u2 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो वैसे भी ज़ीरो हो गया, तो इधर बचेगा कितना, 2m1, m1 m है, 2m बटा और m1 प्लस यानी m प्लस xm, ठीक है ना, और इसको आप u1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपकी v2 है। इसका मतलब अगर आप देखोगे ये v2 आ गया, मतलब फाइनल स्पीड आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिफोर कोलिजन, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिफोर कोलिजन, मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिफोर कोलिजन, राइट बच्चा पार्टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिफोर कोलिजन। एक मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर हम देखें, अगर हम एक मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखें बिफोर कोलिजन, तो आप क्या कह सकते हो, दैट इज़ योर हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, और यू कैन से हाफ एम यू वन स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसकी बिफोर कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, सो यू कैन से सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी पार्टिकल, ऑफ द स्टेशनरी पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो वो आ गया आपका K2, ये K1 है, विच इज़ बेसिकली हाफ m2 v2 स्क्वायर, m2 कितना है xm, और v2 स्क्वायर का मतलब v2 कितना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपना 2m un by m plus xm का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट दिस इज़ गोइंग टू बी, यू कैन से दैट दिस इज़ गोइंग टू बी आपका xm into 4m square u1 square by m plus x, अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो 1 plus x का होल स्क्वायर, एक m से एक m तो आप काट दो, एक m से एक m तो आप काट दो, इवन स्क्वायर बाहर निकालोगे ना, स्क्वायर बाहर निकालोगे ना, तो आपका यहाँ पर क्या मिल रहा होगा अपने को, आपका यहाँ पर क्या मिल रहा होगा अपने को, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना इसको ज़रा सोचने दीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा इसको सोचने दीजिएगा कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये आपका हाफ आ गया, ठीक है, ये आपका एक्स एम तो है ही है, इधर से क्या मिलेगा, एक मिनट, टू एम वन नहीं है ना, वी टू जो है अपना दैट इज़ गोइंग टू बी टू एम यू वन बाई एम प्लस एक्स एम, तो इसका मतलब अगर मैं m कॉमन लेके काट दूँ तो अपने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर का m स्क्वायर होगा, इधर का आपका m स्क्वायर होगा, मतलब 4m स्क्वायर u1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का m स्क्वायर बाहर निकाल कर 1 प्लस xm का, 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कट गया, तो ये मिला मेरे को, ये मिला मेरे को 2 से आपका 2 भी कट गया, तो इधर क्या बच रहा है मेरे पास, इधर बच रहा है 2 एम एक्स यू वन स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू वन स्क्वायर, तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, तो इसको फिर हाफ ही रहने दो, इसको यहाँ से हाफ एम यू वन स्क्वायर बाहर निकालो, ब्रैकेट में आएगा आपके पास एक्स इंटू टू, और यानी टू एक्स, यानी टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 2x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2x भी क्यों ही होगा, ये 4 ही होएगा क्योंकि आपने काटा तो है नहीं, तो ये आपका 4x हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर फाइनल को मैं इनिशियल से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, जी सर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100 अगर करता हूँ तो वो आएगा 4x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू 100, ठीक है ना, ये हो गया। व्हाट इज़ दिस, दिस इज काइनेटिक परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, दिस इज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, दिस इज
परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब आप इसमें अलग अलग ले लो, अब वैल्यूज पुट कर दो। पहले वाले केस में जो एक्स था वो कितना था, पहले वाले केस में जो आपका एक्स था वो कितना था, वो था 9 times। दूसरे वाले में एक्स 1 था और तीसरे वाले में 1/19 था। पहले वाले केस में एक्स 9 था, तो अपना परसेंटेज मतलब आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 जो था वो था 4 × 9/1+9² × 100। इससे तो ये पूरा कट जाएगा, तो 36 हो गया, तो कितना हो गया 36%। दूसरे केस में एक्स 1 है तो आप कह सकते हो सर परसेंटेज ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 4 × 1/1+1 = 2² × 100। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो कितना जाएगा 100%। और तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो x था 1/19, तो आप कह सकते हो 4 × 1/19 upon 1+1/19² × 100। और यू कैन से 4/19 upon 19+1 20 × 20/19 × 19 एक हिसाब से इंटू 100। तो आपका 19 से 19 कट गया, ठीक है ना, इधर बचेगा 400 × 19/400, तो आंसर आ गया 19%। तो कभी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल डट के और बहुत तरीके से जवाब दे दोगे तो आपका आ जाएगा। और इसी के साथ भैया हमारा जो है कोलिजन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। एक कोलिजन बहुत एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको अलॉन्ग विद क्वेश्चंस अपना पूरा इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन सुपर इलास्टिक ये सब आपको मैंने समझा दिया। अब आप इसको अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में चाप के आ जाओ। मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।